This is Aman sir from Bright Coaching and welcome to the YouTube channel of Bright Coaching. So friends, this is our lecture number 6. And in the last lecture, we have discussed about the fundamental theorem of arithmetic and some important questions of exercise 1.2. Okay students, so today what we do, so let's start. So today we will discuss about some more questions of exercise 1.2 and after that we will go to exercise 1.3. Before 1.3 we will learn some concepts. Okay students, so let's start. I am going to teach you one question that is so tricky. That means it has some concepts, है ना? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, आई थिंक सो 5, है ना? देखते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ऑफ द एक्सरसाइज 1.2. सो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन, है ना? दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रिकी क्यों कह रहा हूं, आपको दिख रहा होगा यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना? इट इज फाइन. कह रहा है चेक वेदर, वी हैव टू चेक, व्हाट वी चेक, 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0. दैट मींस कि फॉर एनी n, दिस मींस कि इफ वी यूजिंग n इक्वल्स टू 1, दैट मींस 6 की पावर n, तो ये 6 आएगा. अगर हम 6 की पावर यहां पर 2 लिखें तो क्या आएगा, 36 आएगा. 6 की पावर 3 लिखे तो 216 आएगा. तो आपको यही कह रहा है कि क्या 6 की पावर n में n की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसको यहां पर रखने पर ये क्या हो, एंड करे किससे, 0 से. दैट मींस लास्ट में क्या आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 लिख के आ रहे हैं तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. एंड करे किससे, 0 से. तो अब ये हमें चेक करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है. तो मैंने आपको ये करके दिखाया कि 6 टू द पावर 1 क्या होता है, 6. 6 टू द पावर क्या होता है, 36. 6 की पावर 3 क्या होता है, 216. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर ये 6 की पावर n की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कभी भी 0 डिजिट पे एंड नहीं होगा. कैसे नहीं होगा ये आप जान लीजिए. देखिए, 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं होता. कैसे, अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो वो कितना आ रहा है, 6. अगर हम 6 की पावर 2 लेते हैं कितना आ रहा है, 36. अगर 6 की पावर 3 ले रहे हैं वो कितना आ रहा है, 216 आ रहा है. और मजे की बात तो ये है कि हम यहां पे कोई भी पावर ले लें, दैट मींस 6 की पावर कुछ भी ले लें, है ना, 1, 2, 3, 6, 9 कुछ भी ले लें, उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना वो 6 ही होगा हमेशा. यहां पर कुछ भी आ जाए बट जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा, 6 ही आएगा. आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके ट्राई भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना कि सर क्या बोल रहे हैं, यूं ही बोल रहे हैं, तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं. आप अपने मोबाइल को ओपन करिए और इजिली क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे और आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं. ओके चलिए, तो अब ये देखना है कि कैसे पॉसिबल है, है ना. हमने ये जान लिया कि जो इसका लास्ट का डिजिट है वो क्या आएगा, ऑलवेज विल बी 6. बट हम इसको कैसे यहां पे डिसप्रूव करें, ये चेक करने को बोल रहा है ना. तो हम चेक करते हैं, अगर ये सही है तो प्रूव है, नहीं सही है तो डिसप्रूव है. तो कैसे हम इसको डिसप्रूव करेंगे, तो आप बताओ, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, है ना, हम चेक करते हैं. अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वहां पर एक रूल फॉलो होता है क्या, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो ऑलवेज 10 से डिवाइड होगा. मान ले यहां कोई नंबर है और लास्ट में क्या है, 0 है, मतलब 0 से एंड कर रहा है, तो वो हमेशा ये 10 से क्या होगा, डिवाइड होना चाहिए. सही बात है. जैसे मान लीजिए अगर आपका आ गया 120, तो बताओ ये 10 से डिवाइड नहीं है क्या, बिल्कुल है ना, कैसे 0 0 कट जाता है. तो हमें यही चेक ही करना है, अगर किसी नंबर का एंड 0 से हो रहा है तो वो नंबर, दैट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 10. और अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है, दैट मींस कि वो नंबर 2 एंड 5 से भी डिवाइड होना चाहिए.
क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज द फैक्टर ऑफ 10 इज क्या, हम 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 एंड 2 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। सो स्टूडेंट्स अगर कोई नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए, और 10 से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि वो 2 और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं क्या 6 की पावर n 2 एंड 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, है ना। हम चेक करते हैं कि क्या 6 की पावर जो n लिखा है ये 2 और 5 से डिवाइड होता है क्या। अगर ये इनमें से किसी एक में भी डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि 6 की पावर n कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। ओके तो हम इस क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमें क्या किया, हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अगर 6 की पावर n को 0 से इंड होना है तो इसको 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा या फिर 2 एंड 5 डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें ये दिख रहा है कि 6 की पावर n कभी भी 0 से इंड नहीं होता है, मैंने अभी करके बताया आपको, लेकिन लिखेंगे कैसे, है ना। तो लिखना का तरीका आपको आना चाहिए, चलिए आपको सिखा देते हैं। आप ये बताओ जो 6 की पावर n है इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 3 की पावर n होगा, और यहां कहीं भी आपको 5 नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है बट 5 इज नॉट देयर। तो क्या करेंगे, अगर 5 यहां नहीं है तो इसका मतलब यह है कि 5 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। जब 5 इसका फैक्टर नहीं होगा इसका मतलब 6 की पावर n 10 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब कभी भी 6 की पावर n कभी भी 0 से इंड नहीं होगा। दिस इज अ लॉजिक, है ना, दिस लॉजिक यूज इन दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसी लॉजिक के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्या लॉजिक है, लॉजिक यही है कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल 10 से डिविजिबल होता है तो वो 0 से इंड करेगा, और 10 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो 2 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा, और 2 और 5 डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि 6 की पावर n में इसके फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए, बट 2 यहां पे है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं है, और यही रीजन है कि ये लास्ट में 0 से इंड कभी नहीं होगा। ठीक है चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे 2 इंड विद 0 द नंबर शुड बी, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10 और 2 एंड 5 एज 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, है ना। या तो वो 10 से डिवाइड हो या 2 एंड 5 दोनों से ही डिवाइड हो, क्योंकि 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है देखिए आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n। अब हमने क्या लिख दिया, 6 की पावर n का फैक्टर कर दिया, क्या आया 2 इंटू 3 की पावर n, है ना। तो अब आपको यहां पे ये दिख रहा है, तो देखिए हमने क्या किया, 6 की पावर n का फैक्टर कर दिया। अब आपको यहां दिख रहा है कि 2 है बट 5 इज नॉट देयर, 5 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, therefore 5 क्या है, 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है, therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5, therefore है ना, hence या hence आप लिख सकते हैं, hence 6 की पावर n कैन नॉट इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, आप देख लो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 5 लिख लिया होगा आपने, 6 आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिए घर पे, है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, देखिए ये आपका बोर्ड एग्जाम है ना। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्या है कि हर चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या है, सारे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन खाली इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बहुत इजी है आप कर सकते हो तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है या फिर जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है ना उसको हम करा देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। टेंशन बस ये नहीं कि मैं जो छोड़ रहा हूं उसे आप कैसे करोगे। अगर मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपको वो नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि सर हमें इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नहीं आया है, आप करवा दीजिए, तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसे करवा दूंगा। लेकिन हाँ पहले आप ट्राई करिएगा, और देखिए ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज 1.3 में और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है बच्चों। और हाँ एक्सरसाइज 1.3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं कह रहा है, There is a circular path around a sports field. कह रहा है कि स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, बना लेते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। कह रहा है सोनिया है और कौन है, रवि है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, मैराथन की रेस में दौड़े जा रहे हैं, ठीक है। आगे बोलता है क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और सोनिया और रवि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको चक्कर लगा रहे हैं इसके ना, इसके अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इधर ने बताया कि सोनिया ने 18 मिनट का टाइम लिया और रवि ने 12 मिनट का टाइम लिया। ये कहते हैं कि अगर सोनिया यहां से चल करके फिर यहां पहुंचती है तो वो टाइम लेती है 18 मिनट का, लेकिन रवि क्या करता है जल्दी पहुंच जाता है, रवि क्या करता है 12 मिनट में इसको पा जाता है। तो ये बोल रहा है कि बताओ कि सेम प्लेस पे और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन पे अगर ये चलना स्टार्ट करें तो ये दोनों कब आकर मिलेंगे। अच्छा जाहिर सी बात है कि रवि का टाइम कम है तो ये जल्दी क्या करेगा, पूरा कर लेगा ग्राउंड, और सोनिया का टाइम क्या ज्यादा है तो ये ग्राउंड पूरा करने में इसको 6 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मान लीजिए रवि ने यहां से स्टार्ट किया, वो आफ्टर 12 मिनट यहां पहुंच गया, लेकिन अभी भी क्या है सोनिया क्या कर रही है 18 मिनट ले रही है, तो सोनिया धीमे 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 धीमे, मान लीजिए रवि यहां पे है तो सोनिया कहां यहीं गई होगी यहां पे ना, तो आप दोनों मिले तो नहीं, अब रवि आगे बढ़ गया फिर से, अब सोनिया यहां पहुंची फिर वही बात हुई। तो ये कह रहा है कि कितनी देर बाद क्या है दोनों मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, दोनों के टाइम का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही होता है इनका मीटिंग टाइम, मतलब जिस टाइम पे क्या होते हैं मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन में देखो इसमें कई तरह क्वेश्चन बनते हैं कि एक राउंड सर्कल है उसके चारों ओर कुछ लोग घूम रहे हैं, सबका अलग अलग टाइमिंग दिया है और बोलेगा वो कब मीट करेंगे, तो आप क्या करिएगा उसमें एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। एक टाइप का तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक घर में कई बेल लगी हुई है, बेल घंटी है रिंग बेल, जिसे क्या करते हैं बच्चे बजा करके भाग जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप घर में लगवा लो बच्चे करते क्या हैं, पड़ोस के बच्चे बजा कर भाग जाते हैं, ठीक है ना, बदमाशियां करते हैं, उसी रिंग बेल की बात कर रहा हूं। अगर आपके यहाँ बेल लगी हुई है और बेल में ये कहता है कि कोई बेल, मान लीजिए 2 सेकंड बाद ये बज रही है, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, बोलेगा कि अगर ये सब इंटरवल्स हैं, ये सब टाइम इंटरवल्स हैं, इतनी देर बाद क्या हो रही है ये रिंग बेल बज रही है, तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ कितने टाइम बाद ये सारी एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो सारी एक साथ बजेंगी तो उसका मतलब ये होता है कि आपको इन सभी नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेना, दैट मींस एलसीएम।
जैसे ही आपने इन सभी का एलसीएम निकाला, बस उसी टाइम पर ये सात क्या है, एक साथ बजेंगी। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप तो चार घरों के रिंग बेल बजा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। मार पड़ेगी अलग बात है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, पहले हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर लिखेंगे। 18 क्या होता है, 2 × 3 × 3, है ना। और 12 क्या होता है, 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। बताइए दोनों का एलसीएम क्या आ गया। कॉमन वाला लिखिए पहले, तो कॉमन वाला आप लिखेंगे, तो कॉमन क्या क्या है बताओ भाई, 2 × 3 × 2 × 3, यही है। 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 36। देयरफोर कौन कौन है, सोनिया है, सोनिया एंड रवि, देयरफोर सोनिया एंड रवि विल मीट एट, है ना, कितना, 36 मिनट, ठीक है ना। चल तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है ना, ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इसमें जो क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हुए हैं वो आप कर लीजिएगा। और हाँ, आज ही हम लोग 1.3 का क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और हाँ, एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है, ये मेरी गारंटी है। जब आप एग्जाम देकर आओगे ना, मुझे कमेंट जरूर करना कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलिए इसको आप नोट करिए स्टूडेंट्स। देखिए तो हमारा जो 1.2 है ना, वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हम चलेंगे अपने 1.3 की ओर, ठीक है ना। तो आज से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 1.3, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म देखने को मिलेगा 2 or 3 marks के, ठीक है ना। क्या करेंगे देखिए, अच्छा देखते हैं इस एक्सरसाइज में है क्या, देखते हैं इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें एक चीज पढ़ना है, अब मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, क्या मैंने बताया था, देयर आर टू यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट वन इज टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एंड सेकेंड वन इज टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर। दैट मींस हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली है, आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे सेकंड। सेकंड क्या बताया था मैंने, किसी नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूव करना। दैट मींस हमने पढ़ रखा था, देखो हम दो नंबर के बारे में जानते हैं, है ना, दो नंबर के बारे में कौन कौन जानते हैं, रैशनल और इरेशनल, जानते हैं ना। तो अब हमने बताया था कोई नंबर इरेशनल कब होता है, जब वो क्या होता है, रूट में होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि इन नंबर्स को हम प्रूव कैसे करें कि ये रैशनल ही है, क्यों ये इरेशनल नहीं हो गया, है ना, क्यों ये इरेशनल नहीं है, हम इसको प्रूव करेंगे। और हाँ, एक बार आपको बताऊंगा, इस पर डिपेंड दुनिया में जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप कर लेंगे, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट खाली बताना है बस, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पे एग्जाम में आप सब करके आओगे, बहुत ही इजीली करके आओगे, कोई डर ही नहीं देगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि इरेशनल क्या होते हैं, जितने भी नंबर रूट्स में होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और रैशनल क्या होते हैं, रैशनल तो आप जानते हो, जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्यू क्या है, जीरो नहीं है, और पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। अच्छा, ये पी और क्यू क्या होता है, ये पी और क्यू दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं, 0, ±1, ±2, ±3, ये सब नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, जिस बच्चे ने भी नहीं पढ़ा है वो हमारे पिछले वीडियोस को जाकर के देखे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। लेकिन साथ साथ इरेशनल नंबर में एक और प्रॉपर्टी होती है, जिसका यूज करेंगे इरेशनैलिटी को प्रूव करने में। कहने का मतलब यह है कि हम इरेशनैलिटी को प्रूव तो करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। कैसे देखें, हमारे पास p by q जो होता है, मान लेते हैं 1/2, 3/4, 7/9,
यही तो होते हैं हमारे क्या रेफरल नंबर, यही ना होते हैं। तो आपको इसमें क्या है, एक खास प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, कि जो नंबर लिखे है ना दोनों P बाई Q, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, वन है। दिख रहा है आपको, इसका HCF क्या है, वन है। इसका HCF क्या है, वन है। दैट मीन्स कि जो रेफरल नंबर होता है ना उनमें जो नंबर होते हैं दोनों P और Q, ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम। मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, वहां मैंने आप बताया, मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर को प्राइम्स। तो यहां भी आप जान लो कि दो नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उनके बीच का जो HCF है वो वन होता है। ठीक है ना, मतलब अगर HCF वन है तो दो नंबर क्या होंगे, को प्राइम हो जाएंगे। बहुत ही ईजी है। अब क्या करेंगे, अब हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ यूज करेंगे इस इरेशनलिटी को प्रूफ करने में। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, आप देख लो आपके में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया है, देखिए कह रहा है प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, जो आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन एक्सरसाइज चलने से पहले आपको ये बता दें कि हम इरेशनलिटी प्रूव तो करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ मेथड, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन। व्हाट इज दिस नेम, दिस नेम इज, दिस इज अ मेथड। ये क्या है, एक मेथड है। क्या नाम है इसका, कंट्राडिक्शन। बहुत से बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, यूज भी किया होगा। ठीक है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है जो विरोध करता है। ठीक है ना, जैसे जो हम बातें बोल रहे हैं आप उसका उल्टा बोलो, तो अगर आप उसका उल्टा बोलोगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मेरी बातों को कंट्राडिक कर रहे हो, और कंट्राडिक से ही क्या बना है, कंट्राडिक्शन। आप इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए किसी भी इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। और ये क्या रूल है, जैसे ये है कि स्टार्टिंग में अगर ये कहता है कि प्रूव दैट रूट फाइव क्या है, इरेशनल है, तो हम मान लेंगे इसका उल्टा, है ना। मैंने कहा जैसे मान लीजिए ये मेथड क्या है, मैंने कहा कि आपको स्कूल इस रास्ते जाना है, तो आपने कहा नहीं मैं इधर नहीं, मैं इधर से जाऊंगा। मतलब मेरे से उल्टी अगर बात करते हो तो आप क्या करते हो, मेरी बात को कंट्राडिक करते हो। ठीक वही है, हमने कहा कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल है, तो आपने कहा नहीं 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 रूट फाइव रेशनल नहीं है, रूट फाइव क्या है, रेशनल है। ठीक है ना, मैंने कहा नहीं बच्चे ये गलत है, रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल, तो आपने कहा नहीं सर रूट फाइव क्या है, रेशनल है, और ये प्रूव करूंगा, और आपने प्रूव स्टार्ट कर दिया। आपने क्या कहा, आपने कहा कि रूट फाइव रेशनल है, आपने क्या मान लिया, रूट फाइव क्या है, रेशनल है, और इसको आप लेकर के प्रूव करना शुरू कर दिए। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, घूम रहे हो इसी में, घूमते घूमते कहीं पे आप क्या करोगे, यहीं बीच में फंस जाओगे। ठीक है, चलते चलते क्या हुआ, आप कहीं बीच पे फंस गए, और जैसे ही बीच में फंसे मैंने कहा अच्छा बच्चे अब बताओ कौन सही है, तो आपने कहा सर इसके आगे समझ नहीं आ रहा कहां जाना है, तो इसका मतलब आपको विरोधाभास मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन। इसका मतलब आपने जो अजम्पशन किया था ना कि रूट फाइव रेशनल है वो रॉन्ग था, दैट मीन्स कि रूट फाइव क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये कंट्राडिक्शन क्या होता है, मतलब जो भी हम काम करना चाहते हैं उसका उल्टा मान लें, और उल्टा मान के हम उसी रास्ते पर चलें, और रास्ते में कहीं जाके अगर हम फंस जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमें मिलता है कंट्राडिक्शन, और तब हम कहते हैं कि जो हमने माना है वो गलत है, दैट मीन जो क्वेश्चन में कह रहा है वही क्या है, सही है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं और आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे ये होता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स ये है हमारे 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो हमें यहां पे रूट फाइव को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन आप इससे केवल एक क्वेश्चन मत मानिएगा कि ये केवल एक ही क्वेश्चन है, यहां पर कुछ भी दे सकता है, जैसे रूट थ्री रूट टू रूट सेवन कुछ भी लिख दिया है ना। जो मैं यहां प्रूव कराऊंगा वही प्रूफ आपको इन सब नंबर्स में भी लिखना है, बस क्या करेंगे वहां पे डिजिट को चेंज कर देंगे। इस प्रूफ में मैं रूट फाइव का यूज करूंगा, अगर एग्जाम में रूट थ्री आता है तो वहां रूट थ्री भी देगा,
अगर रूट टू आता है तो रूट टू का यूज करिएगा, रूट सेवन आएगा तो रूट सेवन का यूज करिएगा, जो भी आ जाए। मतलब आपको करना क्या, सेम वही फंडा अपनाना है। रूट फाइव मैंने यहाँ का लेक्चर चल रहा हूँ, एग्जाम में और कुछ आ गया तो आप रूट फाइव के प्लेस पे वो नंबर लिखिएगा, बाकी थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, और इसमें क्या है, हम रैशनैलिटी, यही मैंने बताया आपको रैशनल नंबर, रैशनैलिटी का एक हम यूज करेंगे इसमें, क्या यूज करेंगे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि p by q तो होता है लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है ना। देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। देखिए हम पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है ना, मान लेते हैं, लेट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा मान लिया, है ना, वो बोला इरेशनल, मैंने कहा नहीं पागल हो, ये क्या है, रैशनल है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको रैशनल मान लिया। अब बताओ अगर कोई नंबर रैशनल है वो तो किस फॉर्म का होगा, पी बाई क्यू फॉर्म का होगा, तो क्या करेंगे, लेट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p एंड q सच डैट p बाई क्यू इक्वल टू रूट फाइव, यही होगा। आप क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब क्या करिए, क्रॉस में इंटू कर दीजिए, तो ये बनेगा पी स्क्वायर इक्वल टू फाइव क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, फाइव क्यू स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये होता है ना कि पी फाइव जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, दिस विल इंप्लाई फाइव डिवाइड्स पी स्क्वायर। कैसे पता, ऐसे मान लीजिए हम लिखते हैं टेन इक्वल टू इंटू फाइव, लिखते हैं ना, तो ये तो ऐसे ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्या करता है 10 को डिवाइड नहीं करता, क्या करता है, ठीक वैसे ही p स्क्वायर को 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आप बताओ अगर p 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दिस मींस 5 आल्सो डिवाइड्स p, मतलब अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कैसे पता, ऐसे मान लीजिए 5 जो है डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 को, ये 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी तो ये 5 डिवाइड करेगा, बोलिए है ना, ठीक वैसे ही क्या करेंगे, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 5 डिवाइड्स p। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना आप समझ में आ गया। अब ये बताइए कि इफ 5 डिवाइड्स p, अगर 5 p को डिवाइड करता है तो हमें क्या मिलेगा, है ना, देखिए अगर 5 p को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर तो आपको 0 आएगा क्योंकि ये इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, कुछ क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। संभालते हैं क्या क्वेश्चन है, और इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हैं, डिवीजन इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स कि हम यहां पे p इक्वल टू 5 के, वेयर के इज एन या इज एनी इंटीजर, क्या है कोई इंटीजर है, ठीक है ना। चलो p इक्वल टू 5 के, ये समझ में आया, अब आपको ये समझ में आ गया तो हम फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, तो ये बनेगा p स्क्वायर इक्वल टू 25 k स्क्वायर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर रहे हैं, तो बताओ अब यहां पे अगर हम इसको फर्स्ट मान लें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट से पी स्क्वायर की वैल्यू उठा कर रख दीजिए, तो आप 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, 5 से कट गया, 5 टाइम्स आया के क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, और फिर से ये वही बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंप्लाई करेगा कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो ये इंप्लाई करेगा 5 डिवाइड्स Q, ठीक है ना। अब देखो 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मींस दिस इंप्लाई
फाइव इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू. फाइव क्या है? पी और क्यू का फैक्टर है विच कंट्राडिक्स, विच कंट्राडिक्स दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम. भाई अगर फाइव दोनों का फैक्टर हो गया तो क्या पी और क्यू को प्राइम हुए? नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? क्योंकि फाइव क्या कर रहा है? दोनों को ही डिवाइड कर रहा है. आप ये बताओ अगर फाइव पी और क्यू दोनों को डिवाइड करेगा तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर फाइव ही तो हो गया, जबकि केवल कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए. विच कंट्राडिक्ट्स दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम. और अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो क्या वो रेशनल होंगे? कभी नहीं होंगे. ओके स्टूडेंट, बस यहीं पे हमारा क्या हो गया? कंट्राडिक्शन मिल गया. और जहां पे मिलता है कंट्राडिक्शन वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर. देखो कैसे. अब मैं यहां लिख रहा हूं कि फाइव इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू विच कंट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम. देयरफोर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हमने क्या माना था? हमने ये माना था रूट फाइव क्या है? रैशनल है. यही हमारा क्या था? अजम्पशन. और यही क्या है? रॉन्ग है. दैट मींस हेंस, या फिर हेंस आप लिख लें, हेंस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे क्या है आपका आंसर हो जाएगा. आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा. अब देखिए यहां पे मेन पॉइंट क्या है, आपको कहां कहां गौर करना है आप ये देख लें. आप गौर करना है क्या, देखो गौर करने वाली बात कहां कहां है. पहली बात तो यहां पे आपको मानना है कि ये रैशनल होगा, और रैशनल होगा तो क्या होगा? दो नंबर पी और क्यू आपको एग्जिस्ट करेंगे, पी वाई क्यू इसी के इक्वल होगा. कोई दो होंगे हमको पता नहीं है, तो हमने क्या किया पी और क्यू मान लिया. तो पी वाई क्यू का सूत्र क्या हो गया? रूट फाइव हो गया. अब ये रूट फाइव है तो रूट को हटाने के लिए क्या किया हमने? स्क्वायर कर दिया. तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू फाइव, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. इसके बाद इस क्यू को इसने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना. मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला? हमने ये मिला, देखा कि फाइव पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है. और अगर फाइव पी स्क्वायर डिवाइड करता है दैट मीन्स फाइव पी को भी डिवाइड करता है. और हाँ, अगर फाइव पी को डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक क्वेश्चन भी तो मिलेगा. तो उस क्वेश्चन को हमने क्या बोला के? तो हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू फाइव के. अब आप देखिए फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर. और 5 से ये कट गया. देखो पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखी 1 से, तो 5 क्यू स्क्वायर है. यहां आप लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है ना. हमने क्या कर दिया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर हो गया. और यहां से फिर से वही थ्योरी लग जाती है कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू. और साथ ही साथ 5 इज द फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू विच कंट्राडिक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम. देयरफोर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना. तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको लिख लें और ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है ना. तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कर लेंगे, ठीक है. अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है ना. तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.